चेक टारगेट। ये मेरे अपने लोग हैं, ये अफसरान वो है जो हम में से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस लॉ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बख्त। नाज़रीन, मैं इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में मौजूद हूं। आज हम अपना दिन उन अनसंग हीरोज़ के साथ गुजारेंगे जिनको ट्रेन करके आपकी खिदमत के लिए फील्ड में भेजा जाएगा और आपको पंजाब भर में आपकी हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। आइए मेरे साथ, वेलकम टू द पुलिस लॉ। नाज़रीन, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग, जहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पुलिस यूनिट्स ऑल ओवर द पंजाब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग हो, अगर डॉल्फिन फोर्स की बात हो तो उनकी बाइक राइडिंग की, बाइक हैंडलिंग की, उसके अलावा हमारे पास एंटी रॉयड फोर्स है, हमारे पास इंस्पेक्टर्स टू DSP या किसी भी रैंक की अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग है तो वो यहाँ पर चुंग में होती है। अभी मैं इस वक्त चुंग सेंटर, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग है, वहाँ उसकी फायरिंग रेंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डॉल्फिन फोर्स के जो एहलकार हैं, वो जो अपनी वेपन हैंडलिंग की और जो अपनी एम टू पॉइंट और एम टू शूट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी ट्रेनिंग को एक बंदा, एक इंचार्ज, एक ऑफिसर इसको डील करते हैं। उनका नाम है इंस्पेक्टर मुश्तबा रिजवी। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस तरह इस सारी चीज़ों को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, ऑस्ट्रेलियन ऑनर, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। सर, चुंग और ये चुंग की फायरिंग रेंज सर बहुत मशहूर, यहाँ पे बहुत बहुत ऑफिसर्स ने यहाँ पे सीखा, यहाँ पर शहीदों ने, यहाँ पर गाजियों ने, जो पुलिस के जो अभी अब हम में से नहीं रहे या जो अभी जो सर्व भी कर रहे हैं सर, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट करना, एम करना आपने उन्हें सिखाया, लोगों ने सीखा। सर, किस तरह यहाँ पर काम करते हैं आप? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप देखेंगे कि ये जवान है हमारे, ये सारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, ये वेपन के, ये सारे एलीट के क्वालिफाइड ऑफिसर हैं, ये सारे जो आपके सामने खड़े हैं। जितने भी यहाँ पे पुलिस अफसरान आते हैं, इंस्पेक्टर से लेकर, बल्कि थोड़े दिन पहले हमने AS साहिबान को अच्छा, भी फायर किया। जो CSP ऑफिसर होते हैं पूरे पाकिस्तान से, जो AS साहिबान थे उनको हमने यहाँ पे फायर करवाया और बड़ा अच्छा फायर वहाँ पर हुआ और उन्हें इस बात की बड़ी अप्रिशिएट भी किया यहाँ पर आके। आप देख रहे हैं ये वेपन भी आपके सामने पीछे नज़र आ रहे हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक, अभी ये कमांडर साहब ने प्रैक्टिस शुरू करवाई है कि जो जितने भी पुराने पुलिस अफसरान हैं उनको दोबारा फायर करवाया जाए। फाइन हो गया सर। तो उनको ये वेपन हमारे साथ है, G3 SMG और ब्राटा पिस्टल, ठीक है, इनसे हम फायर करवा रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि जवान जो हैं वो एक तो फ्रेश हो जाते हैं और उनका, जैसे कि क्योंकि हमें इन जवानों को फील्ड में जाके लोगों में काम करना होता है, बिल्कुल सर, और सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि जब वो फील्ड में जाते हैं, पब्लिक में जाके बहुत मुश्किल काम होता है कि अगर हमारे जवान ऑलरेडी रेडी हैं और अच्छा उनका वेपन का फायर अच्छा है तो वो बेहतरीन ड्यूटी कर सकते हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अभी आपके पास कौन सा बैच मौजूद है और वो लड़के किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं फायरिंग रेंज में? अभी आपके सामने ये आपको दिखाते हैं, हम हमारे सामने ये डॉल्फिन वाला बैच मौजूद है, उसके जो कमांडर हैं वो शनावर साहब, सब इंस्पेक्टर मेरे साथ ही वो आ रहे हैं सर, ये हमारे शनावर साहब भी मौजूद हैं। ये रोज़ाना ये यहाँ पे फायर किया जा रहा है, ये सामने टारगेट भी आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम जवानों को फायर करवाते हैं और इंशाल्लाह इनको इस तरह से हम रेडी करते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं कि ये फील्ड में जाके बेहतरीन काम करने के काबिल हो जाते हैं। डिटेल वेपन लोड, तमाम का चैम्बर में फौरी रेडी, शाबाश, एक मिसल पे दो फायर होंगे, कंट्रोल डबल टैप फायर है, तमाम का टारगेट लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे तमाम का टारगेट है, शाबाश। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। व्हाट आर यू? डॉल्फिन। फैमिली। व्हाट आर यू? डॉल्फिन। बताओ
जैसे टियर गैस, ग्रेनेड और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जबकि आने वाले मुजाहिदों को आप सबको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आप लोगों की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है और अभी मुझे पता चला आज आप लोगों का पेपर भी है और वो पेपर मैंने खुद बनाया है। यहाँ पर मेरी पूरी टीम थी तो कोशिश की है कि जो आपने सीखा है उसी के मुताबिक पेपर बनाया जाए और किसी भी तरह से कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि वाइफ से हो या आपको ट्रेनिंग में ना सिखाया गया हो। आप लोग वो टीम होंगे जो प्रॉपरली ट्रेंड टीम होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे से काम करोगे और आप वहाँ पर जाके हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई इनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। नाज़रीन, ये तो मैडम ने बात कर ली अपने नौजवानों से, लेकिन मैडम ये चाह रही हैं कि उनके साथ चाय के एक कप के ऊपर मैडम अपने नौजवानों के मसाइल सुनना चाह रही हैं, उनके साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाना चाह रही हैं। आइए चलते हैं और मैडम को वहीं पर ज्वाइन करते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है एंटी रॉयड की और अभी ये जो हम टी ब्रेक में, ये टी ब्रेक सिर्फ इस वजह से है कि जो हमारी एसपी साहिबा हैं, ये जो ट्रेनिंग सेंटर की आयशा भट्ट साहिबा, अपने ये जो नौजवान हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रख सकें ताकि अगर उनको कोई इशू है, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, कोई उनको इशू फेस कर रहे हैं तो वो मैडम से शेयर कर सकें। ये ट्रेनिंग सेशन क्यों होता है, इसमें क्या क्या बातें की जाएगी, ये मैडम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, ये ट्रेनिंग सेशन, ये चाय के ऊपर आप इनसे क्या डिस्कशन करने जा रही हैं? अच्छा, ये मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी पोस्टिंग हो वहाँ पर जिन जवानों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें मैं किसी जवान को मुझसे बात करते हुए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो इस अगर मेरा कोई ट्रेनी बात करना चाहता है तो उसमें इतना हौसला होना चाहिए कि वो बात कर सके और उसको मौका भी मिलना चाहिए। तो ये जो हम कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन भी रखे जाते हैं कि जिसमें हम अपने जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, इनको इनक्रेज करते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं ताकि वो जब यहाँ से निकल के बाहर जाएँ तो ये एक कम्प्लीट कॉन्फिडेंट ऑफिसर के तौर पर काम करें। इनके ना तो कोई कॉन्फिडेंस का कोई इशू होना चाहिए, ना ही इनमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए ट्रेनिंग के हवाले से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से। क्योंकि जब यहाँ पर बात करते हैं इनके माइंड में बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी कंफ्यूजन्स होती हैं, इनको क्लियर नहीं हो रहा होता। फिर हम इस पे बात करते हैं क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। बाज़ुकात इनसे अच्छी सजेशंस आ जाती हैं क्योंकि ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, फील्ड से आते हैं, सब चीज़ें इन्होंने देखी होती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ओवरलुक हमसे हो जाती हैं, तो ये उन पर बड़ी अच्छी सजेशन। मैडम, मैं ऐड ऑन करूँगा, यू आर बीइंग द एसपी ट्रेनिंग सेंटर,
एक टाइम पे हजारों लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और सम टाइम होता है कुछ इश्यूज़ आपसे छुप जाते होंगे या कुछ इश्यूज़ आते नहीं होंगे आपके सामने. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद योर गाइज विद योर ट्रेनीज टू हैव आपको जो मैटर हैं सारे मैटर्स का पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है. आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट सेशन जो होता है ताकि हम डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकें. हमारा कोई मीडियम नहीं होना चाहिए कि इनको ये ना हो कि जी हमने फ्लां बंदे के थ्रू ही मैडम तक पहुँचना है या पता नहीं वो बंदा आगे बात लेके जाए या ना लेके जाए. तो ये मेरे अपने लोग हैं, ये हम आपस में बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल एक फैमिली है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली की तरह है. हम आपस में जैसे घरों में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है. और जब मैं इन लोगों के दरमियान आके बैठती हूँ तो बिलीव मी मुझे इतनी खुशी होती है इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख के कि जब इनको ये होता है कि जी हमारे अपने अफसरान हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये अफसरान वो है जो हम में से ही हैं. तो ये एक इमेज बनाना और ये इन लोगों को हौसला देना कि जी हम आप में से ही हैं ये बहुत ज़रूरी है. जिस दिन हम में ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा, जिस दिन में ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तब हम लोग काम उस तरह. क्योंकि कहा जाता है ये जो ग्रास रूट लेवल के हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं यही एक रीढ़ की हड्डी होती हैं पूरे महकमे की और यही इन्हीं की बेस पे पूरी गवर्नेंस जो पुलिसिंग चल रही है. मैडम दैट्स मोर देन अप्रिशिएटेबल थिंग कि आप इनके साथ इंटरेक्टिव लेवल इनके लेवल पर आके इनसे बात करें ताकि इनके जो इशूज़ हैं आपके सामने आ सके. मैडम आप बात करें उनसे और देखते हैं अब आगे क्या बनता है. लाजमी हम मैडम को वहीं पे ज्वाइन करेंगे अभी टी के सेशन के बाद. मैम इनसे बात करेंगी, इनके इश्यूज सुनेंगी. हम आपको ज्वाइन करते हैं स्ट्रीट ब्रेक के बाद. ये हमारे शहीद के बेटे हैं, इनके वालिद जो है वो पुलिस के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की. तो इनके घर भी चक्कर लगता है, इनकी वालदा के साथ भी मुलाकात होती है. तो ये हमारा बड़ा मैडम ये इनकी सेकंड जनरेशन है जो कौम को सर्व करेगी. सेकंड जनरेशन तो ये इसका जो है ना बहुत बड़ा इसकी फैमिली का हम पे एहसान है कि उन्होंने अपने जो है ना बच्चों की परवाह किए बगैर, अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर अपने महकमे के लिए अपने लोगों के लिए अपनी जान दी. तो ये हमारे महकमे का एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर, अपने वालिद की तरह ये भी बड़ा कमिटेड अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा ऑफिसर है. जिम्मेदारी उठानी है. अब वो कह रहे हैं कि बाकी सब में आई, इनकी गाड़ी नहीं आई है इनके डिस्ट्रिक्ट से. ये आपने डिस्ट्रिक्ट के साथ रबते में रहना है, ठीक है. ये यहाँ से इनको सरकारी गाड़ी ही लेके जाए, इनका सामान इनको इनके डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाए, ठीक है. ये DSP साहब की ड्यूटी लग गई है, ठीक. अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि पूरे पंजाब से हज़ारों लोग जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सबसे पहले नीड ट्रेनिंग्स के जो पैरामीटर्स हैं मैयर्स हैं वो तो एक टेक्निकल साइड है, वो आप ऑलरेडी कवर कर रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मील मेस खाना. घर से दूर हैं, इनको खाना कैसे प्रोवाइड किया जाता है. इनके खाने के लिए हमें फ़ंड आता है, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे आते हैं. हर रैंक के डिफरेंट होते हैं तो उसमें मेन्यू बनाते हैं और पूरी हमने एक टीम रखी होती है जो कि इंश्योर करती है कि खाने की क्वालिटी और क्वान्टिटी. एक तो टाइमली इनको खाना मिलना चाहिए, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जहाँ पर खाना दे रहे हैं मेस वहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वहाँ का जो स्टाफ है उनको पता हो कि खाना सर्व कैसे करना है. उसके बाद हम ये भी जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं और इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि जो खाना हम दे रहे हैं वो क्या उसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है और फिर क्वान्टिटी क्या है. क्योंकि एक बंदा है ये जो एक इतनी फिजिकल ट्रेनिंग के बाद उसको एक खास मकदार में खाना चाहिए होता है. तो हमारी ये कोशिश होती है कि हेल्दी फूड इनको दिया जाए और अच्छी मकदार में दिया जाए ताकि इनको कोई वीकनेस या इस किस्म का ना हो और वो ट्रेनिंग में जो इनको मेहनत चाहिए होती है वो पूरी तरह से उसमें एफर्ट पुट कर सके. तो हमारा मील के ऊपर इस पर मैंने अलग से कमेटी भी बना दी हुई है, इंस्पेक्शन कमेटी अलग से होती है, मैं खुद भी जो है ना वो इंस्पेक्शन करती रहती हूँ. इसके अलावा हमने ये काम किया कि परफॉर्मर बना दिए कि जो ट्रेनीज खुद फील करेंगे ताकि हमें ट्रेनीज का फीडबैक आए कि जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं उनको वो खाना अच्छा लग रहा है या नहीं. उनकी जो सजेशंस आती हैं कि जी हमें इस टाइम की बजाय इस टाइम पे खाना दिया जाए, हमें ये मेन्यू की बजाय ये मेन्यू दिया जाए, तो वो हम फिर इनके जो है ना फीडबैक भी लेते हैं. अच्छा मुझे बताएं कि जब ये शिकायत करते हैं किसी भी चीज़ की तो दैट कैन बी अनोमनस. मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिस टाइम बताया थोड़ी झिझक होती है
थोड़ा मतलब इस चीज़ को लेके चलते हैं कि भाई मुझे नहीं कहना, मुझे कहना है कि नहीं कहना, तो आपने कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया कि इन जिनकी शिकायत आप तक पहुंच जाए और वो लेट्स से अगर वो चाहते हैं कि मेरा पता भी ना लगे और उनका इशू भी वैलिड हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद है? इसमें बिल्कुल है, अगर कोई बंदा अपना नाम नहीं शो करना चाहता तो वो सिंपली एप्लीकेशन मुझे ऑफिस में दे दे कि जी ये हमारा इशू है, इस पर मैंने इनको क्लियर कट, ये जो हमने इसका कम्युनिकेशन जो रखा हुआ है कि इंटरेक्टिव सेशन, का मकसद ही ये होता है कि मैं इनको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर इनका कोई इशू हुआ है तो वो उस पर बात करें, क्योंकि इशू को रिजॉल्व करना ये मेरा काम है और इनका ये हक है, अगर ये डर के मारे बात ही नहीं करेंगे तो फिर कोई मकसद ही नहीं है मेरा यहाँ पर बीइंग एसपी ट्रेनिंग आपका, तो इनका जो है ना वो बिल्कुल कोई नहीं आता। हम इनको बताते हैं कि अगर आपको इशू है आप बताएं इस पे, अगर आप इशू पे बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो सामने ना आए, वो शो नहीं करना चाहते, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप हमें पैसे सिंपली एप्लीकेशन लिख दें। तो मेरे ऑफिस में बड़ी ये ओपन डोर पॉलिसी होती है कि किसी ट्रेनिंग का इशू है तो वो अगर आपने इंस्ट्रक्टर से वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो मेरे पास एप्लीकेशन भिजवा सकता है, तो यहाँ पर बड़ी ओपन डोर पॉलिसी होती है। किसी किस्म का वैसे ही कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, ट्रेनिंग कैसी रही, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया हो, कोई ऐसी फनी सिचुएशन बनी हो, कुछ भी बात करना चाह रहे हो आप लोग। अनाजिन बातें तो जारी हैं मैडम आयशा से और वो बता रही हैं कि क्या मैनुअल है, ट्रेनिंग किस तरह करवा रही हैं, मैस का भी बताया, लेकिन अभी एक वॉलंटियर हमें ऑफिसर मिले हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं एक शेयर में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। किधर है, कौन से थे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमान शोकर। रहमान किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से। ट्रेनिंग में सी डी ए साहब पीछे खड़े हुए हैं, किसी डर झिझक के बगैर आपने जो कुछ सुनाना है वो सुनाए, कुछ नहीं कहेंगे आपको। वो एक शेर ही है, वो आपको सुना देता हूँ। वो बज़ाहिर तो हमारे कुछ नहीं लगते मगर उनसे रिश्ते बला के हैं, वो मेरे इस तरह है फैज़ जैसे बंदे खुदा के। मतलब आप सी डी ए साहब की तारीफ कर रहे हैं कि जान छूट जाए। ये वाली है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। लोग इंजॉय कर रहे हैं जो हमारे ऑफिसर्स ऑल ओवर द पंजाब, हमारी रीढ़ की हड्डी इस डिपार्टमेंट को जो इन्होंने सर्व करना है ग्रास रूट लेवल पे, ये सारे वही लोग हैं आज इस रूट पे हैं, इस लेवल पे हैं, कल को इन्होंने प्रमोट होकर ऊपर भी जाना है, तो ये हमारी फंडामेंटल्स हैं, हमारी राइट्स हैं। अगर ये सेटिस्फाइड है और अगर ये बेहतरीन ट्रेनिंग करें तो हमारी कौम को बेहतरीन पुलिसिंग मिलेगी और आने वाला वक्त इन्हीं पर हमारा बेस कर रहा है। जी आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? बहुत अच्छी जा रही है। आज का दिन तो लगता है सी डी ए साहब ने सारे पसीने निकलवाए आप? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद एक चाय का सेशन है और ये चाय का सेशन आई थिंक मैंने आपकी एसपी साहिबा से बात की, वो कह रही थी कि चाय का सेशन सिर्फ इस वजह से है कि जो एक गैप है इंटरेक्शन आपका बढ़े, आप में वो जो एक झिझक है ना वो झिझक ख़त्म करने के लिए। एसपी साहिबा खुद मौजूद हैं और मुझे बता रही थी कि आप में आपका अगर कोई इशू है तो आप उन्हें ज़रूर बताइएगा ताकि उनको थोड़ा पता लगे। नहीं हमारा इससे तो इशू कोई भी नहीं है। आप सेटिस्फाइड हैं ट्रेनिंग के सारे इंतजाम से? मैस कैसा है यहाँ का? मैस बहुत बेहतरीन है, सबसे अच्छा है मैस। और जो हमारा स्टाफ है उसका बिहेवियर कैसा है? उनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा है। लर्निंग हो रही है आपकी? जी जी। आप वैसे किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? लाहौर से। अच्छा, चलें गुड लक टू यू, आप कंटिन्यू करें। नाज़रीन एक और हमारे साथ ऑफिसर जो इस टाइम मेस में मौजूद हैं वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, काफ़ी देर से वो हम उनका वेट कर रहे थे। आइए पूछते हैं अजीज साहब से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हम जिस तरह ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पुलिस मुलाजम हैं जब वो शहादत नोश फरमाते हैं तो उनके लिए भी शहादत का वर्ड यूज़ होना चाहिए, इसी बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ भी शहादत लिखा करें, मेहरबानी होगी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन उनके बहुत अच्छी उनकी एक पॉइंट था कि जो एक पुलिस मुलाजिम जो सुबह सुबह अपने बच्चों को उसी तरह छोड़ के आता है जिस तरह कि एक उसमें एक फीलिंग होती है, एक सेंस होती है कि मैंने 5 बजे या 4 बजे या जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी मैंने घर जाना है, और खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में शहीद हो जाता है, तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि उनको भी सब लोग शहीद बुलाएँ, उनके लिए भी उतना ही ट्रिब्यूट, उनके लिए उतना भी वो हमारे दिलों में खराज तहसीन होना चाहिए कि भाईजान उसने अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। मैम लोग आपकी तो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, रादर देन बीइंग एसपी एक प्रेशर भी होता है बंदे के ऊपर, लेकिन आपने तो मतलब इन्हें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एक
टेक्निकलिटीज़ और ये जो पुलिसिंग आप इन्हें फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सिखा रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पुलिसिंग इतनी टफ जॉब है, इतनी स्ट्रेसफुल जॉब है कि जब तक हम यहाँ पर इनको रिलैक्स नहीं रखेंगे और रिलैक्स रखने के लिए इनका मोटिवेशन लेवल हाई करने की ज़रूरत होती है। और वो कैसे हो सकता है कि जब हम इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जब हम इनको बताएँ कि जी आप हमारे लिए कितने अहम हो। हम एक बंदे को जब ये चीज़ जताना शुरू कर दें कि जी तुम एक मशीन हो, एक रोबोट हो, ये तुमने काम करना है और बस ख़त्म, हमें तुमसे कोई और ताल्लुक वास्ते ही नहीं है, हमें तुम्हारी परवाह ही नहीं है, वो बंदा क्यों हमारे लिए काम करेगा? वो फिर उस ड्यूटी को बस वो बेदिली से करेगा, कहेगा बस मेरे 8 hours 12 hours पूरे हैं, उसके बाद मैं जानू और मेरा घर जाना। समझेगा कि ये जो अफसर है ना, ये सिर्फ मुझे यूज करना चाह रहा है, इसने यूज करना है और बाद में मुझे पूछना भी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं मैडम कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई जो ट्रेनिंग है, जो रिक्रूट है, वो कुछ मतलब अच्छा वेल फील नहीं कर रहा है या बीमार हो गया है या वो कुछ जख्मी हो गया, उसका क्या मैकेनिज्म मौजूद है? अब आगे उसके क्या उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, किस तरह डील किया जाता है? अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि अगर कोई वैसे बीमार हो गया, फीवर हो गया, किसी को फ्लू हो गया, कुछ इस किस्म का इशू होता है, तो हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, तो वो उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर किसी का सिवियर इशू हो गया या कोई ऑलरेडी बीमार हमारे पास आया, कोई इंजरी है ऐसी कि वो अपनी ट्रेनिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रेनिंग में यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, एक थ्योरेटिकल वर्क तो हम करवाते ही हैं जिसमें हम पढ़ाते हैं इनको, इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें पीटी परेड, फायरिंग होती है, अगर वो देखते हैं, अगर डॉक्टर कहता है ये इसका काबिल नहीं है, अभी इसको नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो फिर हम उस वापस डिस्ट्रिक्ट को भिजवा देते हैं, लिख के ट्रेनिंग ब्रांच को लिख देते हैं कि जी ये इशू है और ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर किसी का कोई टांग फ्रैक्चर है, कोई बाजू, कुछ इस किस्म का इशू है, तो अगर हम उसको ट्रेनिंग उसकी कंटिन्यू रखेंगे तो वो उसका प्रॉब्लम जो है ना वो सीवियर हो जाएगा। मैम अभी हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? अभी हम आपको बाकी के दिखाते हैं कि हमारी डॉल्फिन की ट्रेनिंग चल रही है, हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है, तो हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़। डॉल्फिन में तो आप रह के आई हैं, डॉल्फिन में आपने सर्व किया है, तो एक बंदे की वो बड़ी खास इमोशनल कमिट होती है, अटैचमेंट होती है एक ऐसी फोर्स में जिसमें आपने कमांड किया हो, तो जब उनको जब ट्रेन किया जाता है तो आप उनकी ट्रेनिंग को स्पेशली, आपके लिए तो सारे मेरे ख्याल से बराबर है, लेकिन डॉल्फिन की ट्रेनिंग में आप देखती होंगी कि जब आप वहाँ पे सर्व कर रही थी क्या